नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैंने बनाया है ये पैनल वाला लहंगा। इसका पूरा वीडियो मैंने बताया है और पूरी जानकारी मैं इसके बारे में आपको दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक वीडियो पहले भी आया हुआ है पैनल गाउन के बारे में। उसमें मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या हिडन मटेरियल यूज किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने किसी तरह का हिडन मटेरियल यूज नहीं किया है। सबसे मेन होता है हमारा फैब्रिक। पैनल गाउन में हमारे जो फैब्रिक होता है, ये मैंने रेपियर जैकार्ड यूज किया है। इसी तरह आप नॉर्मल जैकार्ड या वेलवेट या ब्रोकेट का फैब्रिक यूज करते हैं तो अपना पैनल गाउन हो या लहंगा हो बहुत ही शानदार बनता है। और इसमें भी मैंने केन का बहुत ही कम यूज करके बनाया है, फिर भी इसके हर पैनल की लुकिंग बहुत ही शानदार आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यह कैसे बनता है। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो हम लहंगा बना रहे हैं उसमें लेंथ है हमारे पास 40 और वेस्ट है 36 प्लस 2 इंच हम लूज करेंगे तो हमारी वेस्ट होगी टोटल 38। 12 पैनल बना रहे हैं हम तो उसका मार्जिन अप्रोक्स आता है 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक पैनल के लिए, प्लस 0.75 इंच हमारा मार्जिन होगा साइड के लिए। तो ऊपर से हमारे पैनल की चौड़ाई होगी 3.75 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा और नीचे की चौड़ाई होगी हमारी हर पैनल की 26। इस तरह से 12 पैनल का मैं ये लहंगा बनाऊंगा, जिसको कली वाला लहंगा भी बोलते हैं, ठीक है। और फैब्रिक जो है मेरे पास वो है रेपियर जैकार्ड 4.5 मीटर। इसका पैना बड़ा आता है, 1.5 मीटर का पैना है तो अपने 4 मीटर में ये लहंगा बन जाएगा और हाफ मीटर में इसका ब्लाउज बन जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लहंगे की कटिंग के लिए सबसे पहले हम एक पैनल की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हमें लेनी है 40, तो उससे 1 इंच कम 39 पे मैंने मार्क किया है ऊपर की तरफ। ये मार्क अपना 39 पे है, आपको दिख रहा होगा। और ऊपर हमें चौड़ाई रखनी है 2 इंच से थोड़ी कम, तो ये मैंने 2 से थोड़ा सा कम पे मार्क किया है और अप्रोक्स हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऊपर की तरफ राउंड सर्किल बनाया है। तो ये हाफ इंच का जो राउंड हम बनाते हैं ऊपर की तरफ, ये हमारा लहंगा हो या गाउन हो, हर पैनल में हमारे वेस्ट की फिटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं हर लहंगे या गाउन में अपने जो भी पैनल का बनाता हूँ उसमें ये राउंड ज़रूर देता हूँ, ठीक है। अब हमें इस साइड भी अपनी लेंथ चेक करनी है। इधर हमने 39 रखी है तो इधर भी हमारा राउंड 39 आना चाहिए। देखिए 39 आ रहा है अपना यहाँ, तो यहाँ मैंने एक मार्क किया है। और नीचे की चौड़ाई हमने पैनल की ली थी अपने 26, तो उसका हाफ होता है 13 पे मैंने मार्क किया है, एक उसके हाफ 6.5 पे मार्क किया है। इस तरह से 2 मार्क किए हैं और ये लेंथ वाला मार्जिन यहाँ 6.5 में मैंने राउंड बना दिया है, आपको दिख रहा होगा। हाफ दूरी तक ये सीधा है, उसके बाद अपने पैनल को राउंड कर दिया है और साइड के लिए भी अपने मार्क कर दिया है। डबल फोल्ड में अपना फैब्रिक है तो इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब दूसरे पैनल की कटिंग करेंगे तो इसको सिंगल कर लेंगे, अभी ये डबल फोल्ड में है। तो आपको दिख रहा होगा ये फैब्रिक मैंने वापस इसको पैनल की कटिंग के बाद सीधा रख दिया है। पहले अपने डबल फोल्ड में कटिंग किया था तो अब अपने ऊपर का राउंड हो गया है 4 इंच, ठीक है। नीचे का सर्किल का राउंड है 26। इस तरह से अब अपने पैनल को हमने पहले कटिंग किया था इस तरह से, मैं आपको बताता हूँ, और अब इसको अपोजिट साइड से इस तरह बराबर रख देंगे। ये इस तरह बराबर रख के जब हम कटिंग करेंगे पैनल की अपने, तो 1 मीटर फैब्रिक में अपने 3 पैनल की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से 4 मीटर फैब्रिक में अपने 12 पैनल कट जाएंगे, क्योंकि इसका अपने फैब्रिक का जो रेपियर जैकार्ड है इसका पैना बड़ा आता है 1.5 मीटर का,
तो अपने 4 मीटर में ये लहंगा बन जाएगा और 1/2 मीटर में ब्लाउज बन जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने हर पैनल की कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास कॉटन लाइनिंग है, वो है 7 मीटर, तो उसी तरह हर पैनल की कटिंग मैं अपने कॉटन लाइनिंग पे भी कर लूँगा। अपने पैनल कट के मेरे पास तैयार है। मैं आपको लेंथ चेक करके दिखा देता हूँ, 39 है। ऊपर से हमारा सर्किल 4 इंच से थोड़ा सा कम है, अप्रोक्स 4 इंच मान लीजिए, और नीचे से हमारा 26 है, राउंड में है। तो एक वीडियो मेरा पहले आया हुआ है पैनल गम का, उसमें हमने अपने 12 पैनल कटिंग किए थे, 12 कॉटन लाइनिंग में कटिंग किए थे, और 12 ऐसे केन केन कटिंग की थी, और तीनों फैब्रिक को एक साथ अटैच करके हमने पैनल गाउन बनाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं उस तरह से नहीं बनाऊंगा, इसमें लगाऊंगा केन केन, लेकिन पूरी एक साथ नहीं लगाऊंगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से हमें एक 20 इंच पे मार्क करना है और एक करना है 22 पे। तो डबल केन केन का एक राउंड तो मैं यहाँ लगाऊंगा, ऊपर से 20 और 22 पे मार्क किए हैं, तो 2 इंच चौड़ाई की डबल केन अपने यहाँ आप कॉटन लाइनिंग में अटैच करेंगे, और एक 5 इंच की नीचे अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ यहाँ अपने 2 इंच तो राउंड है, तो जो अंतिम छोर पे जब हम आएंगे तो हमारी केन केन की साइज 3 इंच रहेगी, बाकी राउंड में कट हो जाएगी, और सेंटर से अपनी केन केन 5 इंच रहेगी। ये हम कॉटन लाइनिंग में सेट करेंगे, जब सेट करूँगा मैं आपको तो बताऊँगा। तो नीचे के सर्किल पर लगाने के लिए मैंने केन केन की कटिंग की है, इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 10 इंच, तो डबल करके जब हम लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई रहेगी 5 इंच। और अपने नीचे से एक पैनल है 26, तो मैंने 27 मानते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर ली है। 12 हिस्सों में बराबर आएगी अपने, अप्रोक्स 1 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा जाता है, ऐसा मान के मैंने 27 के हिसाब से इसकी कटिंग की है लेंथ में, और चौड़ाई रखी है 10 इंच, ठीक है। इसी तरह ऊपर के लिए हम 4 इंच चौड़ाई की कटिंग कर लेंगे और उसको डबल करके लगाएंगे तो अपने 2 इंच चौड़ाई रह जाएगी। ये अपना पैनल है, नीचे 5 इंच पे मैंने मार्क किया है, तो 5 इंच पे अपने केन केन लगाएंगे डबल फोल्ड करके, तो ये 10 इंच की कटिंग की है मैंने, ठीक है। ये एक सिंगल स्टिच अपनी हो गई है। नीचे से अपने ये ध्यान रखना है कि दोनों पैनल केन केन का और कॉटन लाइनिंग का बराबर रहना चाहिए, और साइड में जो केन केन एक्स्ट्रा आएगी वो अपने कटिंग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पैनल अपने राउंड में कटा हुआ है। तो ये देखिए, ये अपना मार्क है। ऊपर से मैंने आपको बताया था कि ऊपर से शुरू करके हमें 20 इंच पे और 22 इंच पे मार्क करना है, तो वो अपना मार्क किया हुआ है, तो इस पे भी हमें डबल केन केन लगानी है। तो आप देख रहे हैं हर पैनल को हमें इस तरह से स्टिच करना है। डबल केन केन लगाई है मैंने नीचे 5 इंच चौड़ाई में, और राउंड की तरफ जो एक्स्ट्रा रही उसको कटिंग कर दिया, और सेंटर पे अपने ऊपर से 20 इंच पे मार्क करके एक 2 इंच चौड़ाई की डबल केन सेंटर पे लगाई है। ये दोनों केन मैंने कॉटन लाइनिंग में अटैच की है। तो इसी तरह हम अपने सभी पैनल्स पे केन केन लगा लेंगे। ये अपने सीधी साइड है, इसको रखना है ऊपर, तो अपने जो केन केन है वो अंदर रह जाएगी, और पीछे की तरफ से ये प्लेन हिस्सा रह जाएगा अपने, और फ्रंट पे ये रह जाएगा। तो अपने नीचे की तरफ एक स्टिच करना है, उस स्टिच के लिए हमें फैब्रिक को पूरा अपोजिट साइड से फोल्ड कर देना है, इस तरह से अपोजिट साइड फोल्ड करके हम यहाँ पे एक स्टिच करेंगे, स्टिच फिनिशिंग के साथ करेंगे।
देख रहे हैं आप, ये फ्रंट पे अपने मेन फैब्रिक की सीधी साइड है और नीचे की तरफ अपने कॉटन लाइनिंग में केन अंदर की तरफ चली गई है। ठीक है, तो अब इस पे हम एक स्टिच और करेंगे। तो नीचे से स्टिच करने के बाद अपना पैनल तैयारी है, तो इसको मैं चारों तरफ से अपने नीडल की सहायता से स्टिच करूंगा बराबर करके। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो कट जाएगा, वैसे बराबर रहेगा क्योंकि बराबर कटिंग किया हुआ है। तो अब मैं इसको चारों तरफ से नीडल से कच्चा कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम अपने हर पैनल को हाथ से कच्चा कर लेंगे। आप मशीन से करना चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो। हाथ से करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो जाता है अपना। तो मैं अपने हर पैनल को इसी तरह नीचे से स्टिच कर लूँगा और फिर चारों तरफ से पैक कर लूँगा। तो मैंने जैसा आपको बताया है, ये अपने दो पैनल है, इनको हमें जॉइंट करना है। तो मैं पैनल गाउन बनाऊँ या पैनल लहंगा बनाऊँ, हमेशा कॉटन की पट्टी को अटैच करके बनाता हूँ। इससे अपने एक तो इंटरलॉक नहीं निकालना पड़ता, अपने जो पैनल के राउंड बनते हैं उसमें ये पट्टी बहुत हेल्पफुल रहती है, इसलिए मैं हमेशा ही ये पट्टी लगाता हूँ। ये अपनी सिंगल स्टिच हो गई है, अब इसको मैं डबल स्टिच कर दूंगा। अपने केन जाएगी वो चुभेगी नहीं और इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, प्लस अपने पैनल का राउंड बनने में ये पट्टी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मैं इसको डबल स्टिच कर दूंगा। तो अपने ये स्टिच हो गई है, डबल स्टिच हो गई है पूरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपने अंदर से पैनल फिनिशिंग के साथ तैयारी है बिल्कुल। अब जो कच्चा किया हुआ है वो धागा जहाँ अपने दिखेगा वो हम कट कर देंगे और इसी तरह अपने सारे पैनल अटैच कर लेंगे। और पैनल के लास्ट में जो अपने सिंगल रहेगी पट्टी, उस पर हम सिंगल साइड से ही अपने कॉटन पट्टी लगा कर इसको पैक कर देंगे, क्योंकि केन अपने इधर भी है तो चुभेगी। ठीक है, तो मैं अपने सारे पैनल जॉइंट कर लेता हूँ। ये सारे पैनल इस तरह से जॉइंट हो गए हैं अपने, अंदर से मैं दिखा देता हूँ आपको। सारे पैनल मैंने कॉटन लाइनिंग के साथ तैयारी किए हैं और लास्ट वाला जो पैनल है उस पे मैंने सिंगल में ही कॉटन लाइनिंग लगाई है, क्योंकि अपने चेन लगाएंगे लास्ट में साइड स्टिचिंग के वक्त तो बाद में ये लाइनिंग लगाने में दिक्कत रहेगी, इसलिए मैंने पहले लगा लिया है। ठीक है, तो अब हम साइड स्टिचिंग करते हैं पहले, फिर चेन लगाएंगे। तो इसमें मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ और अप्रोक्स 6 इंच ऊपर चेन के लिए अपने ऐसा ही ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि अपना पैनल है तो थोड़ा हेवी होता है, फैब्रिक की थिकनेस भी ज़्यादा होती है इसमें, तभी अपना लहंगा अच्छा बनता है। और केन भी लगाई है तो नीचे से स्टिचिंग शुरू करके अपने ऊपर खुला छोड़ देंगे। तो साइड स्टिचिंग के बाद हम चेन लगाएंगे। तो नीचे से जितना मार्जिन हमने छोड़ा है उतना ही अप्रोक्स 1 इंच के अप्रोक्स अपने अंदर की तरफ फोल्ड करके हम चेन लगाएंगे सिंगल स्टिच में। अगर आप डबल स्टिच में लगाते हो तो डबल स्टिच में भी लगा सकते हो। अब मैं आपको वेस्ट चेक करके दिखा देता हूँ अपनी। दोस्तों पूरी 20 आ रही है अपने, तो 40 हो गई है अपनी वेस्ट। अब मैं 44 लंबाई का बेल्ट कटिंग कर लेता हूँ। तो बेल्ट की कटिंग मैंने कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ अप्रोक्स 22 लंबाई
है डबल फोल्ड में मेरे पास, बेल्ट की कटिंग की है कि वेस्ट अपने 40 है, मैं थोड़ा ज़्यादा कटिंग करता हूँ फोल्ड करने के लिए। और चौड़ाई अब इसकी तैयारी है 4 इंच, मैंने 4.5 इंच रखी थी और हाफ इंच अपने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है मैंने एक तरफ से, तो अपने बेल्ट बन के तैयारी है। तो पहले हमें बेल्ट रखना है अपना सीधी साइड, और उस पर अपने लहंगे को रखेंगे हम सीधी साइड, अप्रोक्स 2 इंच बाहर की तरफ रख के मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। तो सिंगल स्टिच अपने हो गई है, मैंने बेल्ट भी सीधा रखा था और उस पर लहंगा भी सीधा रखा था और स्टिच कर दिया है। अब जो अपने बाहर की तरफ बेल्ट का जो मार्जिन रखा था, तो बेल्ट को हम ऊपर कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देते हैं, ठीक है इस तरह से, और एक स्टिच कर देते हैं इस पर। तो इससे क्या अपने यहाँ चेन के पास फिनिशिंग रहती है, धागे निकलते हुए नहीं रहते हैं। देखिए अपने स्टिच हो गई है, उसके बाद यहाँ धागे निकलते हुए नहीं रहते हैं। कुछ लोग बेल्ट को पहले ही फोल्ड कर लेते हैं, उससे यहाँ अपने धागे निकलते हैं जिससे चेन ख़राब होने का डर रहता है और फिनिशिंग भी नहीं रहती। तो मैं ये फोल्ड बाद में करता हूँ, दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड कर लिया है मैंने। अब हम बेल्ट को बिल्कुल ऊपर करके स्टिचिंग के पास और इसको एक फाइनल स्टिचिंग कर देते हैं, फिर लहंगा अपना बन के तैयारी है, ठीक है मैं स्टिचिंग करता हूँ। तो अपने फाइनल स्टिचिंग हो गई है, और फाइनल स्टिचिंग के बाद में अपना लहंगा बनके तैयारी है। अब मैं डोरी और लटकन बना के लगा दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।